गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं, जिसमें हर वो खबर होगी जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हां, तो शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। उसके बाद दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट में देश और दुनिया की हर बड़ी खबर अलग अंदाज में। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे, जो कि शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर आ रही है। संजौली मस्जिद मामले में कांग्रेस आला कमान ने सीएम सुक्खू को फटकार लगाई है। सीएम सुक्खू को कांग्रेस आला कमान की फटकार, मस्जिद विवाद को लेकर। दरअसल जिस तरह से हालात वहां पर बने, उसके बाद कांग्रेस आला कमान ने स्थिति को बेहतर तरीके से नहीं संभालने को लेकर सीएम को फटकार लगाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजौली मस्जिद विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सीएम सुक्खू ने आज शाम ये बैठक बुलाई है। बैठक के बाद सीएम सुक्खू एक कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो संजौली मस्जिद विवाद पर ये सर्वदलीय बैठक है और कांग्रेस आला कमान की तरफ से जल्द ये पूरा विवाद सुलझाने के लिए भी कहा गया है। संजौली में मस्जिद पर घमासान। बीजेपी का वार तो कांग्रेस का पलटवार। हिमाचल में अवैध मस्जिदों की भरमार। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद का मचा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां प्रदर्शनकारियों पर सुक्खू सरकार ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस की लाठियां पड़वाई, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि सीएम सुक्खू अपने मंत्री से बयान दिलवाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा है कि लाठीचार्ज से प्रदेश के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। तो वहीं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मस्जिद की तीन अवैध मंजिलें तो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही बनी हैं और आज बीजेपी इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स कर रही है। विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें कुछ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई है और बीजेपी सरकार के दौरान तीन मंजिला उसमें निर्माण कार्य हुआ था। कैसे इसको देख रहे हैं, क्या कौन लोग राजनीति? दोनों चीजें मैंने ऑन मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। और जब कोविड का समय था उस समय इसके तीन मंजिले बनी है और कोविड के समय में सरकार भाजपा की थी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, मेयर शिमला में बीजेपी का था, डिप्टी मेयर भी शिमला का था, कमिश्नर भी जो है उन्हीं की सरकार द्वारा लगाया गया था। तो ये उस समय ये सारी कार्रवाई हुई है। अब ये जहन में आई है, इसका बवाल मचा है, इसका सब चीजें हुई है, तो सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ करेगी, मगर इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा ने इसका राजनीतिकरण करने की पूरी कोशिश करी और इसका इस्तेमाल, चाहे वो जम्मू कश्मीर का चुनाव है, चाहे हरियाणा के चुनाव है, वहां पर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर हम इसका खंडन करते हैं। मुस्लिम समाज भी मान रहा है कि इस मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है, तभी तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद को गिराने की पेशकश की है। आपको ही पता है कि अवैध है, तो ये निर्माण क्यों करते रहे आप लोग? हमने निर्माण नहीं किया, जिसने किया उसको नोटिस देती रही सरकार, और एक दफा भी कोर्ट में नहीं आए लोग। किसको नोटिस देते रहे फिर ये लोग? कोई दर्जी था, अब हम जिसको पिछली सरकारों का संरक्षण था, उस आदमी को जो पुरानी सरकारें थी उनका संरक्षण प्राप्त था। प्राप्त था कि उसे कागज हमारे पास है, जरूरत पड़े तो हम दिखाने को तैयार है। लेकिन मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष आप हैं और आप नगर निगम से अधिकारिक रूप से आप मिल रहे हैं, तो आपकी बिना जानकारी के कैसे बन गई मस्जिद? तक मैं अध्यक्ष था, उसके बाद दोबारा बोर्ड ने मुझे फिर आज फिर नियुक्त किया अध्यक्ष के लिए। अच्छा। हाँ जी, ये जो बाहरी लोगों का मुद्दा है, क्या वाकई में बाहर से लोग आके माहौल खराब कर रहे हैं? ये बात सही है और सरकार देख रही है। हमारे एमएलए निजार था जी ने परसों कहा है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनकी आइडेंटिफाइड किया जाए। मतलब ठीक है, आ रहे लोग? हाँ आ रहे। हमारे एमएलए हरीजनाथ जी ने भी परसों भी विधानसभा में कहा कि उनकी जो वेरिफिकेशन होनी चाहिए और वो जो है उनको कार्ड इशू होना चाहिए अलग से कि भाई कौन है क्या है। एक अंतिम सवाल है मेरा, लतीफ जी, इतने प्रोटेस्ट हो गया, लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद आप लोग पहुंचे, ये काम आप पहले भी कर सकते थे? अब मौका ही नहीं मिला बोलने का। अब एकदम पहले 5 को स्ट्राइक की, अब 11 हो गई। हमने तो उनसे बात भी की थी, उन लोगों से, इसको भाई इसको मस्जिद का मुद्दा मत बनाइए, हम जो बैठ के बात कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है करेंगे जी, अब वो मौका दिया नहीं एकदम से। एक हफ्ते के अंदर दो प्रोटेस्ट करे। कमेटी के लोगों ने शिमला नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और कहा कि कोर्ट का फैसला आने तक मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को सील कर दिया जाए।
शिमला संजौली मस्जिद का मामला जो है काफी गर्मा गया है, लेकिन अब उसमें नया ट्विस्ट आया है। मैं दिखा देती हूँ आपको, मस्जिद के जो ये पोर्शन है जो अवैध तरीके से बने हैं, तीन मंजिल आपको भी दिख रहे होंगे, इसमें जो तीन मंजिल ऊपर के तीन मंजिल यहाँ पे हैं, ये अवैध तरीके से बने हैं। तो आज जो है यहाँ पर जो कमेटी, जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, वो MC शिमला से जाकर मिले और उन्होंने साफ तौर पर उन्हें कहा कि अगर जो अवैध तरीके से जितनी ये तीन मंजिल आपको दिखाई दे रही है वो अगर अवैध तरीके से बनी है तो उसको सीज कर दिया जाए। और साथ ही में उन्होंने ये भी उन्हें कहा, MC कमिश्नर को साथ में ये भी कहा कि अगर इस मस्जिद को तोड़ने का आप आदेश देते हैं तो आदेश हमें मंजूर है और हम खुद ही इस जितना भी अवैध जो ये तीन मंजिल बना है उसे हटा देंगे। एक तरफ जहां अवैध मस्जिद को लेकर BJP सरकार पर हमलावर है, तो हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि तीन मंजिल नहीं बल्कि पूरी मस्जिद को गिराया जाए। तुरंत प्रभाव से हम कहते हैं कि उन्हें अपने तीन मंजिलों को नहीं, उन्हें पांचों मंजिलों को गिराना चाहिए, क्योंकि सरकार के मंत्री के द्वारा लैंड रिकॉर्ड पेश किया जाता है और वहां कहा जाता है कि ये जमीन सरकार की है। और उन्होंने जहां भी ये कहा है हम उनके स्वागत योग्य पहल को मानते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के संजौली में नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक संस्थान में, प्रत्येक जिला के अंदर जहां भी उन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किया है उसे तोड़ने की आवश्यकता है। विवादों के बीच आज फिर संजौली में जुमे की नमाज होगी, जिसके चलते संजौली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी बीच संजौली मस्जिद मामले में CM सुक्खू ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के बाद CM सुक्खू प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर देखिए जहां घमासान मचा हुआ है, वहीं मंडी की बात करें तो यहां पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो खुद मस्जिद के अवैध हिस्से को गिरा रहे हैं। अब हर किसी के जहन में यही सवाल है कि मंडी के मुसलमानों ने इस मस्जिद को बनाया, वही अपने हाथों से क्यों इसे गिराना चाहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट को। संजौली का डर, मंडी में दिखा असर। मंडी में अवैध मस्जिद ध्वस्त, मुस्लिम समुदाय ने चलाया हथौड़ा। जिन लोगों ने अवैध तरीके से इस मस्जिद को खड़ा किया था, आज वही इस मस्जिद पर हथौड़ा चला रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप क्या कहेंगे? प्रशासन का डर, हिंदू संगठनों का बढ़ता आक्रोश, अमन शांति बनाए रखने की पहल, या फिर संजौली का संयोग? इनसाइड स्टोरी चाहे कुछ भी हो, लेकिन मस्जिद को लेकर संजौली में जो आग लगी है, इसकी जद में तो हिमाचल के तमाम अवैध मस्जिद और मजार हैं। तभी तो मंडी में अवैध मस्जिद का ढांचा तोड़ा जा रहा है और इस मस्जिद को तोड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आखिर मंडी के इस मस्जिद को क्यों तोड़ा जा रहा है? बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से बनी थी मस्जिद, लोक निर्माण विभाग की जमीन पर निर्माण, मस्जिद की बाउंड्री सरकारी जमीन पर खड़ी, PWD ने मस्जिद को नोटिस दिया था। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच मंडी में खुद मुस्लिम समुदाय द्वारा मस्जिद के अवैध पर हथौड़ा चलाना एक अच्छी पहल है, इससे हिमाचल में अमन और शांति को बहाल करने में मदद मिलेगी। बात मौसम की करें तो लगातार बाढ़ बारिश ने लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा रखी है। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो जगह जगह जल भराव से लोग परेशान हैं और साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी नॉनस्टॉप बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में तो पहाड़ दरकने की जो तस्वीरें सामने आई है बहुत ही डराने वाली है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है, देखिए अभी रिपोर्ट में। पहाड़ों पर हलचल, लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर। लैंडस्लाइड का ये वीडियो खतरनाक है। लैंडस्लाइड का ये वीडियो रोंगटे खड़े करने वाला है। अचानक से पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभराकर जमीन पर आ गया, फिर क्या हुआ तस्वीर आपके सामने है। लैंडस्लाइड के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई और कई लोगों की जान बाल बाल बच गई। कुदरत के क्रोध का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के सोलन का है, जहां बारिश की वजह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। गनीमत रही कि इस लैंडस्लाइड में कोई हताहत नहीं हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बोल्डर, मलबा और बड़े बड़े दरख्त सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। लैंडस्लाइड की वजह से वाकना घाट छौसा सड़क बंद हो गई है। सड़क बंद होने पर लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से हिमाचल में कई जगहों पर पहाड़ दरक रहे हैं। हाँ,
बदल रहा है, एक बार फिर से लौटता मॉनसून वहां पर तेज बारिश के रूप में सामने आ रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बर्फबारी की भी शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर हिमाचल के किन्नौर के ऊपरी हिस्से में इतनी बर्फबारी हो चुकी है कि लोगों का घर से बाहर निकलना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। वहाँ के क्या हालात है इस रिपोर्ट में देखिए। है ना कुदरत का अजीब खेल, कहीं सितंबर में सैलाब का सितम है तो कहीं बर्फबारी से वादियां गुलजार हैं। यहां तो सितंबर के शुरू में ही आसमान से बर्फ के फाहे गिर रहे हैं, जरा सोचिए आगे क्या होगा। पूरा का पूरा इलाका सफेद नजर आ रहा है, मौसम बेहद खुशनुमा है, लेकिन अचानक हुई जोरदार बर्फबारी से पारा काफी नीचे लुढ़क गया और लोग ठंड से कांप रहे हैं। कुदरत के असीम तोहफे की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं, जहां ऊंचाई वाले इलाके में भारी बर्फबारी शुरू हो गई है और सीजन की पहली बर्फबारी से किन्नौर की वादियां खिल उठी हैं। कल्पा, निचार और पूह खंड के अधिकांश ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। भारत तिब्बत सीमा के समीप नकदम, निथल, थाच, खाना दुमती, रानीकांडा और सांगला कांडा में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। भारत तिब्बत सीमा के समीप करीब 7 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई तो वहीं निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहां की सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमी है। वहीं किन्नौर जिले में लाल ढाक के पास बर्फबारी और चट्टानों के खिसकने की वजह से BSNL का टावर लगाने और सेना की चौकी के निर्माण में लगे 2 दर्जन से अधिक मजदूर फंस गए थे। अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से बताने जा रहे हैं, जहां पर सहकारी समिति के चुनाव के दौरान महिला बीजेपी विधायक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का पर्चा ही लूट कर ले गए। इसके बाद सहकारी समिति के दफ्तर में जमकर बवाल मचा और समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब हंगामा खड़ा किया तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ये तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी की हैं। फूल बेहड़ सरकारी समिति के दफ्तर में बवाल काट रही ये महिला बीजेपी विधायक मंजू त्यागी हैं। लखीमपुर में गुरुवार को 4 सहकारी समितियों के संचालक पद के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही थी। सहकारी समिति के दफ्तर में काफी गहमा गहमी का माहौल था। इसी दौरान बीजेपी विधायक मंजू त्यागी भी मौके पर पहुंच गई। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी थे। इसके बाद नामांकन कार्यालय में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी विधायक ने नामांकन अधिकारी के हाथ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का पर्चा छीन लिया। नामांकन अधिकारी, SDM और पुलिस एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। वायरल वीडियो में भाजपा विधायक मंजू त्यागी की दबंगई साफ दिख रही है। विधायक पर्चा के साथ ही नामांकन कक्ष से कागज और रजिस्टर भी उठाकर ले जाती नजर आ रही हैं। वीडियो में वो अधिकारी के हाथ से कागज छीनती दिख रही हैं। जिस वक्त बीजेपी विधायक ने नामांकन अधिकारी के हाथ से पर्चा छीना था, उस वक्त SDM सहित बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां मौजूद थी, लेकिन किसी की हिम्मत बीजेपी विधायक को रोकने की नहीं हुई। सत्ता पक्ष के विधायक की इसी दबंगई के बाद सहकारी समिति परिसर में बवाल मच गया। वहां मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। लखीमपुर में हुए इस हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि योगी सरकार पुलिस के बल पर दबंगई कर रही है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि लाठी चार्ज में SP के 8 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले बहराइच में और अब कानपुर में भी खबर ये मिल रही है कि जो भेड़िए हैं वो गाँव वालों पर अटैक कर रहे हैं। कानपुर के नरवल इलाके में भेड़िए ने खेत में काम कर रहे 3 लोगों पर अटैक कर उन्हें घायल कर दिया। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। कैमरे में कैद ये कानपुर का भेड़िया है। यूपी के बहराइच के बाद अब कानपुर में भेड़िए के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। कानपुर के नरवल इलाके में खेत में घूम रहे भेड़िए की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है।
गांव वालों ने मोबाइल से खेत में घूम रहे भेड़िये का वीडियो बनाया है। कानपुर के नरवल इलाके में अब तक भेड़िया 3 लोगों को घायल कर चुका है। भेड़िये के हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। नरवल इलाके में सेमरुआ गांव निवासी जगरूप के 10 वर्षीय बेटे शानू और खेतों में काम कर रहे अमर सिंह के बेटे राम बहादुर पर भेड़िये ने हमला कर दिया। इन दोनों के अलावा बेटा गांव के 50 साल के राम किशोर भी भेड़िये के हमले में बुरी तरह घायल हुए हैं। भेड़िये के हमले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची। वन विभाग की टीम ने घायल लोगों से मुलाकात की। घायलों के जख्म और दांतों के निशान देखने के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर ने भी पुष्टि की है कि हमला भेड़िये ने किया है। इसके बाद वन विभाग की टीम ने खेतों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन भेड़िये का पता नहीं चल सका। दो अलग अलग गांव में हुए हमलों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इलाके में दो भेड़िये मौजूद हो सकते हैं। भेड़िये के खौफ से इलाके के लोगों ने खेतों में जाना बंद कर दिया है। भेड़िये को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर ऐसा देखा जा रहा है कि राज्य के कई जिले इस वक्त बारिश की मार झेलने को मजबूर हैं। कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और एमपी के दमोह में मूसलाधार बारिश के बाद एक बेहद चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है, आपको भी दिखाते हैं। देश भर में एक्टिव मॉनसून ने जगह जगह कहर बरपा रखा है। सैलाब का मंजर देखिए, हर तरफ कमर तक पानी दिख रहा है। सैलाब का ऐसा कब्जा है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि तेज बारिश ने इलाके में बाढ़ के हालात बनाए तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक शख्स अपनी जान को जोखिम में डालकर बाइक को सिर पर उठाकर पुल पार करता नजर आया। तकरीबन 125 किलो की बाइक को इस शख्स ने अपने सिर पर उठा लिया है और धीरे धीरे ये पुल को पार कर रहा है। मौके पर मौजूद लोग चीखते रहते हैं, इस शख्स को जान खतरे में नहीं डालने की सलाह देते रहते हैं, लेकिन शख्स फिर भी जान जोखिम में डालकर अपने सिर पर बाइक लिए सैलाब से पंगा लेने के लिए उतर जाता है। जिस पुल को पार कर रहा है वो भी छोटा मोटा नहीं, काफी लंबा है। अमूमन देखने को मिलता है कि लोग ऐसे हालात में बाइक से पुल पार नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा ही नजारा है। इस शख्स ने जान का खतरा मोल इसलिए लिया क्योंकि उसे अपनी बाइक को बचाना था। हैरान करने वाली ये तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह में सोवाह गांव की है और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर ग्रेटर कैलाश में जिम संचालक का मर्डर कर दिया गया। बदमाशों ने जिम संचालक नादिर शाह को गोली मार दी। फायरिंग में नादिर अहमद शाह को 5 गोलियां लगी। जिम बंद करके घर जा रहे नादिर शाह पर यह फायरिंग हुई। नादिर पर हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। मर्डर पर गैंगस्टर रोहित गोदारा का फेसबुक पोस्ट, काम में अड़चन डाला इसीलिए मार डाला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काम में अड़चन डालना इसीलिए मार डाला, ये मर्डर की वजह रही, हमारे दुश्मनों का साथ देने वाला मारा जाएगा। इस तरीके की धमकी भरे लहजे में ये मर्डर किया गया। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। फायरिंग में नादिर अहमद शाह को 5 गोलियां मारकर जान ले ली गई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिम संचालक का मर्डर किया गया है। जिम संचालक नादिर शाह जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी दनादन गोलियां उनके ऊपर बरसाई गई और उनकी जान ले ली गई। और जरा देखिए कि कैसे एक खुलेआम सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा का फेसबुक पोस्ट। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने कहा कि हमारे काम में अड़चन डाला इसलिए मार डाला, हमारे दुश्मनों का जो भी साथ देगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। उन्हें 11 बजे की घटना है, ई ब्लॉक जीके का एरिया पड़ता है। यहाँ पर एक कॉल आती है लगभग 11:15 के आसपास कि कुछ गोलियाँ चली हैं और जिसको गोली लगी है उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इससे मालूम चलता है कि नादिर अहमद नाम का एक आदमी है, इसको कुछ गोलियाँ लगी हैं, उसको मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया है। यहाँ से ये जिम चलाता है पार्टनरशिप में, तो इनके साथ आज किसी ने इन पर फायरिंग कर दिया। कितने राउंड गोली चले हैं, क्या आपकी रंजिश है और बदमाश थे, किस चीज़ से आए थे? 7 से 8 राउंड गोलियाँ चली हैं कम से कम। इसके बाद रंजिश का भी कोई आइडिया, इनके जो जिम पार्टनर हैं उन लोगों किसी को आइडिया नहीं है, तफ्तीश कर रहे हैं।